उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। ये सिर्फ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी जो है वो बीजेपी के सामने फाइट नहीं कर पाएगी, यानी कि सीधा टारगेट आप लोग हैं, जो छोटी पार्टी है राज्यों में उससे गठबंधन चाहती है कांग्रेस, और कह रहे हैं कि बीजेपी से आप लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। अव्वल तो कोई पार्टी छोटी नहीं होती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका भी अगर आप स्टेट में प्रेजेंस देखें, फुटप्रिंट्स देखें, तो लिमिटेड ही रहता है, अनलिमिटेड है नहीं। हमारी पार्टी झारखंड और बिहार में है। आप थोड़ा सा जिन समकालीन इतिहास अगर देखें, इलेक्ट्रल हिस्ट्री देखें, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि प्रधानमंत्री जी या पूरी भाजपा बिहार के चुनाव में किसको अटैक कर रही थी, कांग्रेस को नहीं, बाकी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजद, तेजस्वी यादव। तो वो उससे ताकत का पता चलता है। रही बात वैचारिकी की, जिसका जिक्र उन्होंने किया, तो उसी वैचारिकी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल जिंदा है और अस्तित्व में। लालू जी से लेकर के तेजस्वी जी तक और सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता ने जो प्रताड़नाएं सही है, दूसरा कोई उदाहरण पूरे देश में दिखा दे कोई। और ये प्रताड़नाएं थी क्यों, सिर्फ वैचारिकी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जो उनका केंद्रीय विमर्श था उदयपुर के चिंतन शिविर में, वो विमर्श था कि लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस भी करेंगे बाकी चीजों के अलावा। उसके बाद ये बयान थोड़ा उस केंद्रीय विमर्श के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, और कोई कभी कोई बयान जब अलाइनमेंट में नहीं होता है ना, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी का जो ज्ञान है वो थोड़ा कम है इस बयान के बाद अंकित किया जाता है? मेरा सीधे मानना है कि वो इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि उनके उनकी जो बातचीत हुई है और उन्होंने जो समकालीन इतिहास देखा है और पुनः देखेंगे, तो कभी कभी लोग बयान देते हैं, लेकिन ये कि वैचारिकी की ताकत सिर्फ कांग्रेस के पास, ऐसा नहीं है। तमाम दल, जैसे हम जैसे दल जो हैं, जो लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश जी के, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है, और वो विरासत है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया है, कतई कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जन्म काल से लेकर के अब तक। मैं समझता हूं कि एक बार अगर वो पुनः इतिहास का मुआयना करेंगे तो अपने बयान को वो रिवाइज करेंगे। तो क्या राहुल गांधी के इस बयान के बाद आरजेडी आप लोग मेंटेन डिस्टेंस करेंगे उनसे? देखिए, सीधी सी बात है कि आरजेडी का स्टैंड तो बहुत क्लियर कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने, एकदम एक ब्लू प्रिंट सा बिछा दिया कि 225 सीटें हैं जहां कांग्रेस सीधे बीजेपी के साथ संघर्ष में है, सीटों पर क्षेत्रीय दल बहुत प्रबल और ताकतवर है, अवाम की ताकत उनके साथ है। जहां अवाम की ताकत उनके साथ है वहां पर ड्राइविंग सीट में वो दल हूं और सहयात्री की भूमिका में कांग्रेस हूं। ये ब्लूप्रिंट मैं समझता हूं कि इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर और एक लोकप्रिय प्रगतिशील दस्तावेज के आधार पर, लोकोन्मुख कार्यक्रम के आधार पर, आप बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे 24 में। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, जिस तरह से हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी अधेड़ में चली गई है, आरजेडी उस तरह से सड़कों पे नहीं आ रही बच्चों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक घटना नहीं लीजिए, जितनी भी युवाओं के संदर्भ में घटनाएं हुई हैं, कभी पेपर लीक, कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर, कभी एग्जाम कैंसिलेशन, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह खड़ा रहा है, अभी भी नेता प्रतिपक्ष लगातार रहे हैं, और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एग्जाम में किसी न किसी प्रकार की विसंगति का जन्म होता है, या तो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट में फर्जीवाड़ा होता है, फिर मामला कोर्ट कचहरी जाता है, और एक युवा अपने जीवन के 7 से 10 वर्ष इसी में खो देता है, और फिर कहा जाता है कि आपकी अब उम्र नहीं रही। तो हम नेता प्रतिपक्ष ने तो उम्र की एक्स्ट्रा चांस की भी बात की है और कॉम्पनसेशन की बात की है कि आप उनको मुआवजा दो। मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण होना चाहिए विजुअल्स के हिसाब से। सजेशन देना चाहते हैं एज ए प्रोफेसर बिहार सरकार को कि बीपीएससी में ये करना चाहिए ताकि? मेरा एकमात्र सजेशन है कि बिहार की सरकार को ये तय करना होगा कि सरकार सरोकार से चलती है, सरकार का काम सिर्फ इश्तहारबाजी नहीं होता है, रिटोरिकल नहीं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना तो पहलकदमियां उस तरह से हो, अगर स्वास्थ्य में काम करना है पहलकदमियां उस तरह से हो, और सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो रोजगार की, एक एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर प्रकाशित किया जाए, कहां कितनी वैकेंसी है, और उस हिसाब से चीजें तय की जाए बिना देर किए। हमारे साथ राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, कैमरामैन विनय सिंह के साथ केशव कुमार झा, कसिस न्यूज़, दिल्ली।